सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको योगा सेंटर के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम हैं योग गुरु गौरव शर्मा जी के फ्रेश माइंड स्टूडियो। हेलो गौरव जी। हेलो सर। गौरव शर्मा जी, कितने समय से आप ये फ्रेश माइंड स्टूडियो चला रहे हैं योगा के लिए? सर, हमें फ्रेश माइंड स्टूडियो चलाते चलाते लगभग 3.5 साल हो गए हैं। 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इसको लास्ट अब नेक्स्ट जुलाई में। तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इसमें, और लोग ढूंढते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अभी हमारे मेरठ में, खासकर यूपी में, इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, सेंटर है नहीं मेरठ में। तो अब जो है लोग ढूंढ रहे हैं इन चीज़ों को, और जब से हमने सेंटर ओपन किया है तब से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और कोविड में तो और भी ज़्यादा रिस्पांस आया है। लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं, क्योंकि अभी जो है पता, लोगों को जैसे अपने पता चला है कि हेल्थ में कितने इश्यूज हुए हैं कोविड की वजह से, जो इम्यूनिटी पावर वीक है, या बीपी की जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, और बैक पेन जिन्हें ज़्यादा रहता है, तो उन सबको कुल मिलाकर मतलब जो है कि हेल्थ के लिए लोग अवेयर हुए हैं अपनी इन सभी चीज़ों के लिए। पहले क्या था कि लोग, हाँ ठीक है जो है चल रहा है घर में ही कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा जो होता चल रहा था, लेकिन अब जो है लोगों में एक अवेयरनेस इतनी आई है कि लोग जो है ढूंढते हैं, लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। और लास्ट जैसे कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा 8-9 मंथ हमारा, तो उसमें जो था पूरा मतलब लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस इंजॉय करी, उनमें ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे से पूछे, और उसके बाद जब हमारा ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ तो उसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा आए यहाँ पे, मतलब लोगों ने आप डिमांड करी कोविड की वजह से भी, कह रहे कि जो कोरोना पेशेंट्स थे उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर योगा करा, काफ़ी हमारे कैंप्स भी लगे थे, ऑनलाइन कैंप्स हुए थे। और जब हमारा जो कोविड सेंटर बना था यहाँ पे मेरठ में मेडिकल कॉलेज, भारती कॉलेज, तो इनके जो पेशेंट थे, इनमें जो पेशेंट्स थे उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से, फ़ोन्स के माध्यम से हमारे साथ क्लासेस ली, हमारे साथ जुड़े, और काफ़ी ट्रेनर्स हमारे जो थे, जो एरोबिक्स के हैं ट्रेनर और डांस के जो ट्रेनर्स हैं, उन सभी ने ही क्लासेस ली अपनी, और लोगों को एक जागरूक, एक मोटिवेशन मोटिवेट किया कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप उसका एक जो यूज़ है, आप जो योगा के यूज़ से, योगा के थ्रू आप क्या क्या अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। कोविड तो ठीक करेगा करेगा, लेकिन ये कोविड तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो हमारी हेल्थ है अगर वो ठीक रहेगी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग जो है वो जी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम योग करेंगे, हम लोग 1 घंटा अपनी बॉडी को देंगे, तो हम लोग अपने आप ही हमारे जो बॉडी के जो बाकी के जो 23 घंटे हैं, अगर हम 1 घंटा योगासन प्रैक्टिस करते हैं, या हम जिम कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी A to Z हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं अगर 1 घंटे में, तो हम लोग अपने जो बाकी के जो 23 घंटे हैं, जो हमारे 23 आवर्स बचते हैं, वो अपने आप हमारे एक्टिव हो जाएंगे। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें नींद बहुत आती है, या हमें नींद की प्रॉब्लम है, या कहते हैं कि जी हमारे बैक पेन ज़्यादा रहता है, स्टमक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉडी पेन्स बहुत रहते हैं, तो मेरा मतलब मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि मैं खुद का मानना ये है कि अगर हम 1 घंटा डेली योगा करें, या 1 घंटा डेली अपनी बॉडी को दें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, कुछ भी A to Z वर्कआउट करते हैं, तो अपने आप जो है उनके 23 आवर्स को आप अपने आप उनको जो है एक्टिव कर सकते हैं। अपने आप 23 आवर्स आप खुद फील करोगे कि आप कहाँ पे हो, पहले क्या थी बॉडी आपकी, क्योंकि मुझे खुद योगा से इतना अच्छा रिलैक्स मिला है, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्स खेलता था, मैं क्रिकेट एकेडमी में था, तो मैं यूपी के लिए U19 खेला हुआ हूँ, तो जब मैं मतलब बैक पेन वगैरह ज़्यादा होता था तो हमारे टीचर जो थे वो योगा कराते थे, तो उसी से ही मतलब मैं मोटिवेट हुआ, उसी से ही मैंने देखा कि एक इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और लोगों को एक अच्छी चीज़ मिल रही है, लोग उसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो इसी को मैंने अपना एम बनाया। फिर लास्ट थ्री ईयर्स मुझे मेरठ में हो गए हैं योगा कराते, और 3 साल से तो हमारा सेंटर बहुत अच्छी एक मतलब हमने बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट करा था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊंगा, कि आज मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत लोग जो है अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए क्लासेस लीजिए, तो बहुत अच्छा ओवरऑल इसका बहुत अच्छा स्कोप है। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो योगा में प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या योगा में अपना एम बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप सिर्फ आप अपनी पहले स्टडी के मीन्स है कि ये नहीं है कि आपने 1 मंथ का सर्टिफिकेट लिया या 2 मंथ का सर्टिफिकेट, आप पूरी प्रॉपर इसमें एजुकेशन लीजिए, पूरी प्रॉपर आप, क्योंकि ये जो वर्क है ये डॉक्टर्स से भी ऊपर का वर्क है, क्योंकि हम जो है किसी को मेडिसिन नहीं देते हैं, हम लोग कभी किसी को मेडिसिन नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि लोग नेचुरल तरीके से जो है वो ठीक हों, जितना नेचुरल तरीके से वो ठीक हो सकते हैं। नेचुरल तरीके से मतलब है कि आप अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो अगर आप डेली 11 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, 21 दिन तक कंटिन्यू 21 दिन तक अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपको जो बैक पेन था 100% तो नहीं, लेकिन 70% आपका बैक पेन खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे आसन हैं, जैसे पवन मुक्त आसन है, वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है, या चक्रासन है,
और भुजंग आसन है, ये सारे आसन ऐसे हैं कि जो आपके बैक पेन को बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर देंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत सारे पोस्चर्स हैं ऐसे ही, जैसे सर्वाइकल के लिए आप महावीर आसन कर सकते हैं, रोटेशंस कर सकते हैं बहुत सारी, तो उन सभी को अगर आप करेंगे तो आप अपने आप ही उन सारे पेन से, उन सभी बॉडी के जितने भी पेन्स होंगे आप सब अपने आप आपके ठीक हो जाएंगे। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा सेट है, सूर्य नमस्कार एक ऐसा पोस्चर है योगा के पूरे प्रोफेशन में जो आपके किसी भी तरह का पेन होगा, कोई भी आपकी समस्या होगी, ए टू जेड सारी डिजीज को आपकी जो है सॉल्व कर सकता है। तो सूर्य नमस्कार भी अगर आप डेली 11 बार सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो आप लोग अपने आप ही अपनी बॉडी के पेन्स वगैरह को ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए गौरव जी। गौरव जी, फिट रहने के लिए आजकल वर्कआउट के साथ साथ योगा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, यहाँ तक कि विदेशों में US UK में भी काफ़ी पसंद किया जाता है, तो इसे सीख कैसे सकते हैं? सर, इसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, हम भी अपने पास से सर्टिफिकेट्स देते हैं इसके। हम लोग जो सर्टिफिकेट्स देते हैं वो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसके अलावा जो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कोर्सेज़ करा रही हैं, क्योंकि अब अवेयरनेस इसमें बढ़ी है योगा में, तो जाहिर सी बात है कि सब ने अपने अपने कोर्सेज चलाए हैं। और मेनली बच्चे जो है वो अभी तक जो कर रहे थे हरिद्वार से या ऋषिकेश से जो है अलग अलग कोर्सेज़ कर रहे थे 200 आवर्स का या 400 आवर्स का। बट मेरा जो मानना है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक परफेक्ट योगा इंस्ट्रक्टर, परफेक्ट फिटनेस ट्रेनर तब बन सकता है जब उसको उसकी डीपली नॉलेज होगी। क्योंकि अगर आप किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, और अगर हम किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो हम अपने आप से चोरी कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। तो इसमें अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर आए तो ज़्यादा बेस्ट है, या कहीं से अगर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है तो वो प्रॉपर 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स करें, क्योंकि 1 ईयर में तो बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर कोई सोच के चले 2 महीने में, तो 2 महीने में तो एक पोस्चर भी ठीक नहीं होता है। मेरे यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं और अभी तक लगातार 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हम भी जो हम अपना सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, हम अपना सर्टिफिकेट इशू तब करते हैं जब हम बच्चे को ये देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो आगे करा सकता है। क्योंकि सबको अपने नाम की चिंता होती है, जब तक आप एक अच्छी चीज़ नहीं सिखाएंगे बच्चे को तो वो आगे कुछ नहीं करा पाएगा। मैंने ग्रेजुएशन किया है गुरुकुल कांगड़ी से, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है गुरुकुल कांगड़ी से, और करंट में मेरी पर्सनल PhD योगा साइंस से चल रही है। और मैं यही बच्चों, मतलब जो अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसे स्टूडियो से या आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आप इसमें सर्टिफिकेट्स लें जो आपको आगे जाके काम आए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ आपके एरिया में चल गया वो सर्टिफिकेट और आप जब आगे किसी जॉब में या किसी अच्छे लेवल के स्टूडियो में या कहीं वैकेंसी के लिए लगाएंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट जो है अनवैलिड हो जाएगा। तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट तो कम से कम इसमें आपको चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। और 1 ईयर की प्रैक्टिस भी, सर्टिफिकेट होना बहुत छोटी बात है लेकिन उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नाड़ियों का नहीं पता होगा, चक्रों का नहीं पता होगा, तो अब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गौरव जी, एजुकेशन की बात हुई, अब एक बात बताइए, अगर किसी को योगा सेंटर ओपन करना हो, मेडिटेशन सेंटर ओपन करना हो, तो वो कैसे ओपन कर सकता है, कैसा एरिया चाहिए और कहाँ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो योगा में आती है कि आपको फ्रेश चाहिए सब कुछ, नेचुरल तरीका। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि आप, ये नहीं है कि आपने बंद कमरे में, घर के किसी बंद कमरे में आपने पकड़ा जिसमें धूल धड़क का है या धूल जमा है या साफ़ सफाई भी नहीं हुई। तो मेनली जो है, जैसे जो जहाँ पे आप, सबसे पहला योगा का जो रूल है और जो हमारे वेदों में भी, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ शरीर होगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, स्वच्छ मन होगा तभी हम लोग, और जब हमें स्वच्छ एनवायरनमेंट, एक हमें नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा तभी हम लोग जो है उसमें कुछ जो है आगे कुछ कर पाएंगे। तो जब तक हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी, ऐसा कोई स्पेस नहीं होगा, जैसे मॉर्निंग में बहुत अच्छा स्पेस होता है, आप बाहर कर सकते हैं, पार्क वगैरह में आप योगा कर सकते हैं, पार्क में आप योगा करिए, या आपने कोई योगा सेंटर है तो उस योगा सेंटर में भी ये देखना होता है कि आपके पास जो एयर है वो कंटिन्यू अच्छी नेचुरल एयर मिल रही है नहीं मिल रही है, या वो पास हो रही है नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे हमने अपना, मैंने जब सेंटर ओपन करा था मेरठ में, तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ देखी थी कि जो हमारे पास लोग आएंगे उनको सबसे पहले ये फील होना चाहिए कि हाँ, एंटर करते ही कि हाँ, यहाँ पे कुछ फ्रेशनेस है। अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं जी, मैं तो एक कमरे में बैठ के योगा कर लूँगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और लोगों को, जब लोग मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनको सबसे पहले ब्रीथिंग पावर जो है वो नेचुरल ब्रीथिंग पावर चाहिए, वो फ्रेश एयर चाहिए। और फ्रेश एयर आपको तब मिलेगी जब आपके पास एनवायरनमेंट फ्रेश होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर किसी को योगा सेंटर खोलना है तो उसके लिए सबसे फ्रेश है कि वो ऐसे कोई जगह हो, ऐसा कोई स्पेस हो जहाँ पे फ्रेश एयर आपकी कंटिन्यू 24 आवर्स आपकी रहे, और आपकी विंडोज़ वगैरह सब चीज़ें क्लीन हो बिल्कुल। और क्लीन तो हमारे, देखिए मेनली जब हम हेल्थ से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, क्लीन तो हमारे यहाँ पर चाहिएगा, तो क्लीनिंग तो आपको रखनी पड़ेगी वहाँ पर। सर, क्या उसके बाद आप, एक ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, जगह होना चाहिए, क्या उसके बाद इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, कोई इक्विपमेंट्स?
नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इक्विपमेंट में क्या होता है कि जैसे डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारे एडवांस योग अगर किसी को करना है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं, योगा की ब्लॉक्स हैं। हालांकि हमने तो यहाँ पे, क्योंकि हम जो मेनली कराते हैं वो आप नेचुरल तरीके से योगा कराते हैं, मतलब हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो पेशेंट को जैसे मशीन होती है तो उनको पेन वगैरह के लिए हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम लोग आसन कराते हैं, उनको प्राणायाम कराते हैं और जो रोटेशंस हैं वो उनको कराते हैं। इक्विपमेंट की आपके डिपेंड करता है कि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे अभी तक तो कोई नीड नहीं है। और हमारे पास तो मेनली मतलब हर तरह का जो पर्सन है वो आ चुके हैं यहाँ पे, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो और चाहे वो 55 साल का व्यक्ति हो, तो हमारे पास तो हर तरह का इंसान आता है, लेकिन अभी हमें इसकी खास कोई नीड पड़ी नहीं। हाँ, एडवांस योग जो करते हैं तो वो अपने इक्विपमेंट लेके आते हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं या स्ट्रेचिंग रबड़ आती है वो है, तो वो अलग अलग आप सब अपने रिंग्स आप लेकर आ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर, जैसे आपने बताया कि पेशेंट ज़्यादा आते हैं, आप सही बोल रहे हैं कि योगा एक वैदिक पीरियड से चला रहा है, आयुर्वेदिक का एक पार्ट है योगा भी, तो सर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उनका? जैसे बैक पेन बताया तो उसे क्या लगाएंगे, क्या आसन? ट्रीटमेंट में फिर उसका नेचुरोपैथी, हम लोग उसको नेचुरोपैथी की जैसे क्रियाएं हैं, जैसे बस्ती क्रिया होती है, जल नीति है, रबड़ नीति है, सूत्र नीति है, या भाप स्नान हम लोग उनको कराते हैं, और मिट्टी पट्टी का लेप हम उनको कराते हैं, तो वो सारी हम उनको वो ट्रीटमेंट्स देते हैं। आयुर्वेदिक में देखिए, मैं हालांकि आयुर्वेदिक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको रियल बताऊँ, लेकिन मैं मेडिसिंस के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम एक चीज़ देखिए, जो चीज़ हम सीधे रास्ते से कर सकते हैं हम उसको टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाएं? मेरा मानना तो ये है, क्योंकि हम लोग जो है पहले उसको ये देखते हैं कि आप नॉर्मल तरीके से, आप सपोज़ हम उसको जैसे आप कोई पेशेंट हमारे पास है, जैसे किसी को बैक पेन, आपने कहा बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास जैसे कोई बैक पेन का प्रॉब्लम पेशेंट आता है, जैसे स्लिप डिस्क है या साइटिका का पेन है या सर्वाइकल का पेन है, तो ये सारी समस्या जो है वो बैक पेन से जुड़ी हुई होती हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले कितना हम उसको नॉर्मल तरीके से ठीक करा सकते हैं, कितना हम एक्सरसाइज से इसको ठीक करा सकते हैं, तो हम उनको नॉर्मली एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग जो कराते हैं, या जैसे बैक पेन के लिए सबसे मैंने आपको पहले बताया था सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, अगर आप सूर्य नमस्कार डेली करते हैं तो आपका 100% बैक पेन ठीक हो जाएगा। भुजंग आसन आपका बहुत अच्छा है, सुप्त वज्रासन आपका है, शलभ आसन आप उसमें कर सकते हैं, और कंद्रासन आप उसमें कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन आप उसमें कर सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हाँ तभी भी उसके साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तभी भी हमें लगता है कि बहुत अब इसको नीड है ही उस चीज़ की, तो फिर हम जो उसमें क्रियास कराते हैं, जैसे भाप स्नान है, मिट्टी पट्टी का लेप है, तो फिर हम उसको उस तरह से कराते हैं, या मसाज थेरेपी हम उसको देते हैं, कपिंग थेरेपी आपने शायद नाम सुना होगा, तो वो भी हम उसको देते हैं, तो उससे जो है वो फ्रेश फील भी होता है, लेकिन मेनली जो है जो ठीक होगा पेशेंट, जो मेनली जो पर्सन है वो ठीक होगा जिसको बैक पेन, वो एक्सरसाइज से होगा, वो पेन जो निकलेगा वो एक्सरसाइज से ही उसका पेन निकलेगा। गौरव जी, हमने बात की पेशेंट की, और अगर बात करें कि कोई नॉर्मल व्यक्ति आ रहा है, स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, उसे योगा में स्टार्टिंग में क्या कराएंगे? सर, नॉर्मल व्यक्ति के लिए आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बताऊं कि सबकी वेट रिड्यूस की समस्या है। जो भी कोई पर्सन आएगा वो आपसे कहेगा जी, क्योंकि ना देखो हमारा इंडियन कल्चर इस तरीके का है, मैं यही कहना चाहूँ कि वो लोग, हम लोग तब करेंगे कुछ भी चीज़ है, कुछ भी मतलब हमारे साथ अगर किसी ने किसी वर्क के लिए बोला है तो हम कहाँ ठीक है कर लेंगे हम ये लोग ये करेंगे, लेकिन हम करेंगे उसको तब जब हमें ये लगेगा कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। मैं यही, अगर आप आज मुझसे ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं जो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे मैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप उस टाइम का वेट मत करो जब आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, आप अगर आज से ही इस चीज़ को करोगे तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए आप एक्सरसाइज जैसे सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, पावर योगा आप कर सकते हो, और प्रज्ञा योग आप कर सकते हो, आसन आप लोग, स्ट्रेचिंग आप लोग कर सकते हो, स्टैंडिंग पोस्चर जितने भी आप बहुत अच्छे तरीके से उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि योगा अगर आप करोगे, योगा सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक घंटा निकाला अपने शरीर के लिए और ठीक है हमने बहुत अच्छा कर लिया, योगा आपके माइंड से लेकर, अब मैं कहता हूँ कि एक सिर के बाल से लेकर और हमारी जो टोस है, जो हमारी लास्ट फिंगर है, उस तक वो प्रॉपर वर्क करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड समस्या है आपके, मैं कहता हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक घंटा आसन प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन करोगे तो आप लोग अपने आप अपने वर्क की ढूंढ लोगे, क्योंकि आजकल हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपना प्रोफेशन कर रहा हूं तो मेरे साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं आपके साथ है, या कोई क्रिकेटर है क्रिकेट खेल रहा है उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई गेम्स में है उसके साथ अपनी प्रॉब्लम, तो सबके साथ, लेकिन उसका वे क्या है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे माइंड में जो स्ट्रेस आ गया है तो उसको दूर करने के लिए जो आजकल यंगस्टर्स, एक उसका रीज़न, एक उसका बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने, आजकल यंगस्टर में सबसे ज्यादा तनाव है। हाँ। और तनाव के कारण आते हैं पैनिक अटैक्स। उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? दूसरा देखो, मैं आप उसको मैं पूरा बताता हूँ आपको, क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व करा है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं,
जो हमारे पास लोग आते हैं योगा करने के लिए, जब वो स्ट्रेस उनके माइंड में जाता है तो वो उसके दो वेज देखते हैं। एक वे होता है कि या तो वो सुसाइड कर लेता है ना, या फिर वो दूसरी तरह से सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो दूसरी तरह से सुसाइड क्या होती है कि वो अल्कोहल्स में चला जाएगा या ड्रग्स लेने शुरू कर देगा या और किसी चीज़ में जो है इन्वॉल्व हो जाएगा, या वो अकेला ही डिप्रेशन में हो जाएगा, तो वो उस वे को अपनाने लगते हैं। लेकिन अगर मैं मतलब मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें, अगर आप एक घंटा प्राणायाम करें, एक घंटा आसन करें, तो आपको अपने आप आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही, क्योंकि देखिए खाली जब तक आपका माइंड रहेगा, जब तक आपका खाली दिमाग रहेगा तो वो शैतान का घर है। लेकिन जिस दिन आप उसको सोचना उसके ऊपर डिपेंड आपके उसके प्रेशर डालना शुरू करेंगे तो वो अपने आप ही वर्क करना शुरू कर देगा। आपको अपने आप ही अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, आप एरोबिक्स करो, डांस करो, जुम्बा करो। हमारे यहाँ पे बहुत तरह के मतलब पेशेंट्स भी आते हैं और क्लासेस भी चलती हैं। मेरे ट्रेनर्स हैं शिवम सैम, जो डांस और एरोबिक्स की क्लासेस लेते हैं, और योगा के मैं खुद सेशंस देता हूँ, मेडिटेशन क्लासेस चलती हैं, शोभित जो है मेडिटेशन क्लासेस देते हैं। तो बहुत सारी ऐसे क्लेज हैं और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो हमारा मतलब एक मैसेज हमने जो जब लॉकडाउन हुआ था तो अभी जब उसमें डिप्रेशन के बहुत जो रीजंस हुए, जो बहुत सारे हमारे साथ केसेस आए थे, हमारे पास इंडिया में हमारे बहुत केसेस हुए थे, तो हम लोगों ने खुद उसके मैसेज डालने शुरू करे थे। हम लोग फेसबुक पर, इंस्टा पर और ट्विटर पर हम लोग मैसेज डालते थे ताकि लोग उसको जो देखें उसको जुड़ें, और काफ़ी लोगों को उससे रिलीफ भी मिला। और यही है कि उसका जो स्ट्रेस, इसको अपनी स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हो, स्ट्रेस को आप तब कम कर सकते हो जब आप किसी से मिलकर बात करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना करोगे। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास ना रखो। अगर आप सपोज़ करो कि आप अपने मदर से आप बहुत ज़्यादा ओपन हो, या आप अपने पेरेंट्स से, या आप अपने फ्रेंड से किसी से आप ज़्यादा ओपन हो, तो मेरा मानना है कि आप उनके साथ वो बातें शेयर करिए और अपने माइंड को इतना मतलब इतना कूल रखने की कोशिश करिए कि आपके अपने आप जो प्रॉब्लम है जो बड़ी होती जा रही है वो अपने आप छोटी होती शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो मेरा मानना तो ये कि आप योगा प्राणायाम करें, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। गौरव जी, आपने क्लासेस की बात करी, तो क्लासेस आप पैकेज के रूप में देते हैं या मंथली चार्जेस करते हैं? दोनों तरह से क्लासेस हमारी होती हैं। एक तो मंथली क्लासेस होती हैं हमारी, मंथली क्लासेस में हमारे जो चार्जेस हमने रखे हुए हैं, और एक होता है कि पैकेजेस में जो बहुत से मेंबर्स हैं जो आते हैं, वन ईयर के लिए पूरा पैकेजेस ले लेते हैं, सिक्स मंथ के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पैकेजेस ले लेते हैं, तो हमारे दोनों तरह से क्लासेस चलती हैं उसमें। तो सर, गौरव जी, कोई व्यक्ति नया है और उसे योगा सेंटर खोल रहे हैं तो क्या उसे खुद को सीखना चाहिए या वो योगा टीचर भी रख सकते हैं? सर देखो, ये तो वही वाली बात हो गई कि आता जाता कुछ नहीं है और क्या कहना है, एक बिज़नेस खोल के बैठ गए। जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम करेंगे कैसे? बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर मैं ही सोच लूँ कि मुझे मैं क्लास ही नहीं लूँगा और मैं ट्रेनर्स जो है क्लास ले लेंगे, तो ट्रेनर तो कभी क्लास नहीं लेंगे। ट्रेनर्स तो जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, ट्रेनर को बाद में जानेंगे। भाई मेरे यहाँ पे डांस की क्लासेस चलती हैं, एरोबिक्स की क्लासेस चलती हैं, योगा की क्लासेस चलती हैं, जुम्बा की क्लासेस भी चल रही हैं, और मैं कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, योगा कोर्सेज भी, डांस कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक मुझे खुद भी नॉलेज नहीं होगी और मैं ये सोचूँ कि ट्रेनर्स के ऊपर डिपेंड रहूँ, तो ट्रेनर तो जैसे कराता रहेगा, मुझे क्या पता चल रहा है उसका, मुझे क्या पता किस। तो मेरे हिसाब से तो खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को कर सकते हैं। भाई एक किराना स्टोर वाला है, जब तक उसे रेट्स पता नहीं होंगे अपने सामान के, तो वो कैसे किराना स्टोर चला लेगा? उसका नौकर थोड़ी ना उसके जो सामान बताया कि ये रेट्स ऐसे है, ये रेट्स ऐसे है, तो उससे हाँ ठीक है जो चल रहा है फिर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो खुद को नॉलेज देनी ज़्यादा बेस्ट है। गौरव जी, कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाहे तो एक सेटअप में लगभग नॉर्मल सेटअप हो तो कितना खर्चा आ जाएगा? सर डिपेंड करता है आपकी बजट के ऊपर, आप क्या क्या उसमें डालना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो नॉर्मली जो अगर आप एक सेटअप बनाना चाहते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और बहुत आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाला ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपको इसमें जो है आपको नॉलेज उसकी पूरी होनी चाहिए कि आप अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ के लिए वर्क कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। ये नहीं है कि हाँ योगा कराया, एक घंटा आधा घंटा उसको कराया और छुट्टी कर दी। तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में तो इसमें इन्वेस्टमेंट होता ही है, और मैंने भी इन्वेस्टमेंट इसमें इतना ही करा था। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कम कर दी हैं, क्योंकि हमारे पास पहले मशीनरी वगैरह भी थी और नेचुरोपैथी सेंटर भी हमने पूरा बनाया हुआ था इसमें। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ये है कि लेकिन 2 लाख के समथिंग इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना कम से कम इसमें चाहिए। और अगर बात करें प्रॉफिट की तो कितने साल में हम रिकवर कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर उसमें, कि आप कितना अच्छा लोगों को क्या आप उसमें दे रहे हैं, रिस्पांस के ऊपर, आप एनवायरनमेंट आपके आसपास का कैसा है। जैसे सपोज़ हमारे मेरठ में लोग ढूंढते हैं, अभी लोगों के पास योगा सेंटर्स नहीं हैं, और अभी तक क्या है कि सिर्फ उल्टे सीधे योगा सेंटर्स ही चल रहे थे, या योगा जो उल्टे सीधे योगा लोग योगा ही करा रहे हैं।
जो ज़्यादातर मेनली कपालभाति अनुलोम विलोम पे जोर देता है। योगा का किसी को ज़्यादा नॉलेज अभी तक ऐसी थी नहीं, लेकिन हमें जो इसका रिस्पांस आया, मतलब अप्रोक्स हमारे पास मेंबर्स जो हैं वो वन मंथ में 70 प्लस मेंबर्स हैं हमारे पास, 70-80 प्लस मेंबर्स जिसमें हमारे पास अभी भी हैं। तो प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छा है और मतलब एक अच्छा रिस्पांस है, और अगर कोई इसमें अच्छी मेहनत करे तो 6 मंथ में वो उस लेवल पर जा सकता है कि जहाँ वो सोच भी नहीं सकता है। और मैंने खुद अपने पर ये रिज़ल्ट देखा है, मैं खुद मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था तो बहुत छोटे से स्टार्ट करा था, और आज मेरे पास कम से कम 200 लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सेंटर पर भी आ रहे हैं या बाहर भी मेरी क्लासेस जो ग्रुप बैचेस चल रहे हैं। तो कम से कम मतलब जो डेली मेरे साथ योगा सेशंस करते हैं 200 तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूपी से अदर सिटीज़ में भी हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ सेशंस ले रहे हैं। तो अभी तो मेरे पास मैं आपको बताऊँ जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो योगा कर चुके हैं मेरे पास। और बाकी तो हमारे पास जो सेंटर्स पर आते हैं 70-80 मेंबर्स तो आ ही रहे हैं अभी भी लॉकडाउन के बाद भी, और जो लोग योग के लिए अवेयर हुए हैं, अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं, तो वो तो प्रॉपर अपना योगा सेशन उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं है, वो तो लॉकडाउन में मेरे साथ जुड़े रहे थे। गौरव जी, अगर कोई योगा क्लासेस के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और कहाँ आएगा? सर हमारी पूरे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर सब चीज़ डली हुई है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है फ्रेशमैन स्टूडियो के नाम से, और जस्ट डायल पे भी हमारा जो है आप देख सकते हैं, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस है जस्ट डायल पे भी, रेटिंग्स आप लोग हमारी चेक कर सकते हैं। अभी लास्ट मंथ हमारा जो था वो फर्स्ट नंबर पर था पूरे ऑल ओवर यूपी में, और मैं खुद टॉप 5 में था योगा ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स में। और अभी जो मतलब अगर प्रोफाइल कोई हमारी चेक करना चाहता है तो ऑनलाइन सब चीज़ें हमारी अवेलेबल्स हैं। अगर हमारा सेंटर कोई भी देखना चाहे, फ्रेश माइंड स्टूडियो ऑनलाइन नेट पे डालता है, तो योगा में आप कोई भी चीज़ें हमारी सब चीज़ें आपको सारी डिटेल्स हमारी आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। फेसबुक पर हमारा पूरा पेज बना हुआ है, इंस्टा पे हमारा पेज बना हुआ है, और व्हाट्सअप नंबर हमारा पब्लिक है पूरा, तो आप कुछ कहीं भी आप ऑनलाइन कुछ भी चेक कर सकते हैं उसमें। ये थे हमारे साथ योग गुरु गौरव शर्मा जी, जिन्होंने फ्रेश माइंड स्टूडियो पर हमें जानकारी दी। नमस्कार गौरव जी। थैंक यू सर।